साथियों, गूगल सीट पे हमने काफ़ी सारा काम बताया आप लोगों को, गूगल सीट किस प्रकार यूज़ करेंगे ये भी बताया है। लेकिन क्या हम गूगल सीट का ऑनलाइन ही काम करें? यदि हमारे पास नेट ना हो तो हम क्या करेंगे? क्या हम गूगल सीट को ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि गूगल सीट को हम ऑफलाइन किस प्रकार यूज़ करेंगे, और एक एक्सेल की तरह जिस प्रकार हम एक्सेल चलाते हैं, हम जैसे डैशटॉप पे या उसके आइकन पे डबल क्लिक करते हैं तो एक्सेल ओपन हो जाता है, इसी प्रकार हमारी गूगल सीट भी ओपन हो जाए और ऑफलाइन चले, ये सारा सीखेंगे इस वीडियो में। तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से बताते हैं आपको, क्योंकि जो नए यूज़र हैं हो सकता है उनको ये नहीं पता हो कि हम गूगल सीट चलाएँगे किस प्रकार, तो उनको भी पता चल जाएगा। तो सिंपली अपना ब्राउज़र ओपन करें, आपको कहीं भी गूगल ड्राइव वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहीं पे हम टाइप कर देंगे गूगल सीट्स। ओके, यहाँ पे ऐड वाले पे ना जाएं, सबसे थोड़ा सा नीचे आ जाएं, वैसे यहीं पे आपको मिल जाएगा। तो गूगल सीट फ्री ऑनलाइन स्प्रेड सीट फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है, google.com पे ये इसी का कंपोनेंट है, यहीं से हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे हम करेंगे गो टू गूगल सीट्स। अब आपके पास कोई भी एक गूगल अकाउंट है, कोई जीमेल है, उससे यहाँ पे साइन इन कर ले। मैं साइन इन कर लेता हूँ। तो आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने कोई टेम्पलेट्स लेनी है, टेम्पलेट्स में से ले सकते हैं, टू डू लिस्ट में से ले सकते हैं, या फिर ब्लैंक फाइल यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। मैं इसमें काम बताता रहता हूँ आप लोगों को, तो मैंने यहाँ पर कई फाइलें बना के रखी हुई है, ठीक है। लास्ट में शायद मैंने यहाँ पे इस फाइल में आपको काम बताया था, इसी फाइल को मैं ओपन करता हूँ एक बार। हमने जो लास्ट वर्क बताया था आपको गूगल सीट के ऊपर, हमने इसी फाइल के ऊपर बताया था। यहाँ पे हम नॉर्मल एक्सेल की तरह ही काम करते हैं, आप देख रहे हो वही हमारे पास कॉलम्स रो हैं, वही हमारे पास यहाँ पे मीनूज बने हुए हैं। इसी प्रकार हम सीट ऐड कर सकते हैं, सली सीट डिलीट्स कर सकते हैं, एज इट इज़ जैसे एक्सेल में काम करते हैं। यहाँ पे एक्सेल से और एडवांस काम हमको मिल जाता है, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले मिल जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा हमको ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा जब रहे जब हम ये ऑनलाइन न करके ऑफलाइन काम करें इसके ऊपर। तो ऑफलाइन काम करने के लिए हम क्या करेंगे, यही हमारा आज का टारगेट है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम चले जाएंगे, यहाँ पे आप देखोगे ऊपर फाइल के अंदर बहुत सारे वो इसी प्रकार के मीनू है। हम फाइल मीनू में जाएंगे और फाइल मीनू में आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा, देखो नीचे से मेक अवेलेबल ऑफलाइन, हमने इसको सेलेक्ट कर लेना है ऑफलाइन वाले, और इसको कर देना है टर्न ऑन। हमारी फाइल ये है, ये अब ऑफलाइन काम करने के लिए रेडी है, ठीक है। रीलोड टू अलाउ ऑफलाइन एडिटिंग, हमने इसको रीलोड करना पड़ेगा ऑफलाइन एडिटिंग के लिए, ठीक है। हम इसको रीलोड कर देंगे, राइट, रीलोड हो चुकी, अब ये हमारी सीट ऑफलाइन काम करने के लिए रेडी है। लेकिन बार बार हमको गूगल में जाके गूगल सीट पे आना पड़ेगा, या गूगल ड्राइव से जाके हमको गूगल सीट पे आना पड़ेगा, हम क्यों ना इसका एक शॉर्टकट अपने डेस्कटॉप पे बना लें, है ना। तो यदि आपके पास आप इसी स्पेसिफिक फाइल का ही शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो इसी फाइल पे रहें, या गूगल सीट के पूरे डैशबोर्ड को ही आप शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो भी दोनों के लिए सेम प्रोसेस है। हम यहाँ से एक बार बैक हो जाते हैं, हम यहाँ पर डैशबोर्ड पर आ गए, तो दोनों का सेम प्रोसेस है। उसके लिए हम यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में जाएंगे, आप देखोगे थ्री डॉट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम चले जाएंगे मोर टूल्स के अंदर। मोर टूल्स के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे क्रिएट शॉर्टकट, दिख रहा है ना, हम यहाँ पे सीधा क्लिक कर देना है बस, और इसका कोई भी नाम डाल दें कि ये क्या है, हमारी गूगल सीट का नाम डाल देते हैं। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ गूगल सीट्स, और ओपन एज विंडो, एक विंडो के रूप में ओपन हो और क्रिएट। देखो अब जो एकदम से झटका लगा था अभी ओपन हुई है, ये हमारी वो विंडो ओपन हुई है। देखो इसको मैं थोड़ा सा रिस्टोर डाउन करता हूँ, तो नीचे देखो हमारा वो ब्राउज़र खुला हुआ है ना, ब्राउज़र खुला हुआ है सिर्फ, और इसकी हमारी एक विंडो अलग से क्रिएट होगी। इस विंडोज़ को मैं क्लोज कर दूँ यहाँ से, और इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। आप देखोगे डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे गूगल सीट के नाम से एक शॉर्टकट क्रिएट हो चुका है। हम यहां से सीधा इसको डबल क्लिक यूज़ करके जैसे एक्सेल चलाते उसी प्रकार ओपन करेंगे, और हमारे जैसे के तैसे सीट थी, मैंने इसको रिस्टोर डाउन किया था, मैक्सिमाइज़ कर देते हैं तो वही ओपन हो जाएगी। लेकिन अभी ये फ़िलहाल ऑनलाइन है क्योंकि मैंने नेट क्लोज नहीं किया है, मैंने सिर्फ शॉर्टकट आपको चला के बताया था। मैं इसको फिर से क्लोज़ करता हूँ, और अब मैं करता हूँ अपना इंटरनेट बंद, इसको मैं कर देता हूँ डिसकनेक्ट।
हमारा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। और अब एक बार फिर से रिफ्रेश करके मैं इस सीट को फिर से ओपन करूँगा तो आप देख पाओगे यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड फिर से पूरी तरह खुल रहा है, लेकिन सिर्फ एक फाइल हाईलाइट हो रही है जिसको हमने ऑफलाइन किया है। हमने ऑफलाइन तो एक ही किया था ना, तो यही हमारी अवेलेबल है ऑफलाइन के लिए, बाकी ये ऑनलाइन के लिए है। अगर आप चाहें तो इनको भी ऑफलाइन के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रत्येक फाइल के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप नेट ऑन करने के बाद आप जैसे चलाओगे तो सारी हमारी हाईलाइट मिलेगी। अभी नेट बंद है, और जब ये सारी हाईलाइट मिलेंगी तो यहाँ पे जो लास्ट में जो थ्री डॉट्स देख रहे हैं यहीं से क्लिक करके हम इनको ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पे ले जा सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पे ये नहीं चलेंगे, इसका चल जाएगा, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से अवेलेबल ऑफलाइन है, इसको हम ऑफ़ कर देंगे तो ये ऑफलाइन मोड ऑफ हो जाएगा। इसी प्रकार हम जिस जिस फाइल को ऑफलाइन यूज़ करना चाहते हैं उनको ऑफलाइन मोड उनका ऑन कर देंगे और अपनी गूगल शीट को ऑफलाइन हम यूज़ कर पाएंगे। देखिए हम इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी हमारी फाइल, ठीक है, ओपन हो रही है ना। सिर्फ एक ऑप्शन आपको यहाँ पे डिसेबल मिलेगा, ये ऐड ऑन का, ये ऑनलाइन मोड है, बाकी आप फाइल देख रहे हैं वर्किंग ऑफलाइन, हम ऑफलाइन वर्क कर रहे हैं। आप यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला यूज़ करके देखते हैं, हम करते हैं सम, देखिए काम चल रहा है। जो भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो हम काम करेंगे वो हमारा यहाँ पे काम होगा। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे, देखिए एग्जैक्ट चल रहा है, सारा काम ऑफलाइन चलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेट भी मेरा बंद है। आप जिस जिस फाइल को ऑफलाइन करके रखना चाहते हैं रख सकते हैं, और कभी भी उसको यदि आपके पास इंटरनेट नहीं है, आप नेट यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो गूगल सीट का इस्तेमाल आप एज ए एक्सेल भी कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ओके, एक बार फिर से हम इसको क्लोज कर देते हैं और फिर से यहाँ से चलाते हैं, चल गई, यहाँ से हम फिर से ओपन कर लेंगे इसको। अब गूगल सीट में काम करने से ऑफलाइन मोड पे और एक्सेल में काम करने में एक डिफरेंस और है कि एक्सेल में जब हम काम करते हैं तो हमको फाइल को बार बार सेव करना पड़ता है, और गूगल सीट पे हम जब भी काम करेंगे वो ऑटो सेव फॉर्मेट होता है, हमको उसको बार बार सेव करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हमने यहाँ पे सम किया था और हमने इसको सेव भी नहीं किया, डायरेक्ट क्लोज कर दिया था, ये ऑटो सेव हो जाती है फाइल। ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है आपका। किसी कारणवश यदि आपका सिस्टम पावर कट हो जाता है, बंद हो जाता है किसी भी कारण से, तो आपकी फाइल डैमेज नहीं होगी, वो काम करते करते ऑटोमेटिक सेव होती रहती है। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोज़ को हम दोस्तों में शेयर कर दीजिए, हमें लाइक कर दीजिए। ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट्स में लिख के बताइए।